जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। डॉक्टर नदीम हयात मलिक साहब हमारे साथ बैठे हैं, बात हो रही है दिल के ऊपर और आपके सवालात भी लेंगे। तो सवाल मेरा उनसे ये था कि लिपिड प्रोफाइल यानी कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ जाए या थोड़ा सा भी बढ़ जाए तो इस बात को किसी खाने में रख के भूल ना जाएं, ये आपके लिए लम्हा फिक्रिया है, क्यों इनसे पूछते हैं जी। लिपिड प्रोफाइल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिनमें एक कोलेस्ट्रॉल रिलेटिंग है, जैसे आपने बताया। उसमें एक टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कि आइडियली जो ग्रोन अप एडल्ट्स हैं उसमें 150 टू 160 तक उसकी वैल्यू आजकल एक्सेप्टेबल है। लेकिन उसके आगे दो फ्रैक्शंस और जो काबिले जिक्र हैं, वो एक एचडीएल है जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, और हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन इसको कहते हैं। ये बेसिकली इसको आप ये कह सकते हैं कि ये शरियानों के अंदर जो सफाई का काम देता है, यानी जितना ज़्यादा हो उतना ही आपकी हार्ट डिजीज और दूसरी बीमारियों से आप बचे रहेंगे। सही, सही। इसको बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। दूसरा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसको एलडीएल कहते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि शरियानों के अंदर जो मादा जमता है उसका मेन कंपोनेंट वो एलडीएल है। अब इसके अलावा जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जो कि लिपिड प्रोफाइल का एक ज़रूरी कंपोनेंट है, ट्राइग्लिसराइड जो है आइडियली ये भी कोई 150 तक होने चाहिए, ठीक है, लेकिन लेस देन 200 एक्सेप्टेबल है ग्रोन अप लोगों में, ठीक है, बच्चों में इससे भी कम। ट्राइग्लिसराइड जो है ये अक्सर ज़्यादा होते हैं, एक तो जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल डिस्टर्ब्ड हो, यानी डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक स्टेट में, ठीक ठीक, दूसरा जो लोग ओवरवेट हैं, ठीक है, इसके साथ जो रिलेटेड बीमारियां हैं, मसलन हाई ब्लड प्रेशर है, एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी पेट का बड़ा होना, ये सारा जो एक कंपोनेंट है इसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और बदकिस्मती से ये देखा गया कि जो पाकिस्तानी, बांग्लादेश और साउथ ईस्ट एशिया के लोग हैं उनमें हार्ट डिजीज होने का रिस्क एज कम्पेयर टू जो अंग्रेज़ कौम है उनसे 5 गुना ज़्यादा है। अच्छा, ओके। तो इसकी जो मेन वजह देखी गई है वो ये है कि हमारा जो लिपिड प्रोफाइल है वो इस तरह डिस्टर्ब्ड है कि हमारा टोटल कोलेस्ट्रॉल तो नॉर्मल है, लेकिन जो एचडीएल है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो लो है, वो और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है। ठीक, ये टिपिकल एशियन, साउथ ईस्ट एशियन प्रोफाइल कहते हैं इसको। सही 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 सही। इसलिए जब भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाएं उसमें खाली कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराने पर इक्तफा ना करें, बल्कि ये पूरी प्रोफाइल करा के देखें कि क्या आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं या के आपको फर्दर किसी इलाज की या इंटरवेंशन की या परहेज की जरूरत है या नहीं। सही। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस फराह खालिद बात कर रही हूँ। जी मिसेस खालिद, आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा डॉक्टर से ये क्वेश्चन है कि मेरी मदर हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो गर्मियों में ना उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे सांस फूलता है ज्यादा। अच्छा। और घबराहट सी होती है। अच्छा। और राइट तरफ थोड़ा सा पेन भी हल्का हल्का महसूस करती है। राइट साइड पे, राइट साइड ऑफ द हार्ट पे, चेस्ट पे? हाँ जी, चेस्ट। अच्छा। पे ना, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब से भी आपको थ्रू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको सवाल करना चाहे मिसेस खालिद से? तो इनको जो हार्ट की प्रॉब्लम है वो उसकी नौइयत क्या है, यानी क्या वो एंजाइना है या हार्ट अटैक है? एंजाइना है मेरी मदर को। हाँ जी, एंजाइना है। देखें जी, जो आपका क्वेश्चन है वो एक तो ये कि मौसम से रिलेटेड क्या चेंजेस होती हैं, तो ऑब्वियसली किसी भी एक्सट्रीम वेदर में हार्ट को अपने नॉर्मल से ज़्यादा कैपेसिटी से जब भी काम करना पड़ेगा उससे उनको सिम्टम्स भी पैदा हो सकते हैं, और उसके शी में फील अनवेल, यानी कि ये एक मोतदिल जो मौसम है उसमें वो बेहतर फील करेंगी, और एक्सट्रीम टेम्परेचर कोई भी हो, चाहे सर्दी हो या गर्मी, दोनों में। जी हाँ, लेकिन जनरली ये देखा गया है कि जब एक्सट्रीम कोल्ड या ठंडा वेदर हो उसमें एंजाइना के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसमें जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो ठंडी हवा से जब जिस्म पे लगती है तो वो थोड़ी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सही सही। उसको हम वेजो कंस्ट्रिक्शन कहते हैं, वो कॉमन है। गर्मियों में थोड़ा बेहतर हो जाता है मैंने जी, गर्मियों यानी कि एक्सट्रीम गर्मियों में फिर जो है वो इंसान वो डिहाइड्रेशन और उन चीज़ों की वजह से अनवेल हो सकता है। लेकिन जो मेन चीज़ इसमें समझने की है वो ये कि इनको एक्सट्रीम वेदर से बचाएं, कोशिश करें कि टेम्परेचर जो है वो इंसानी जिस्म के करीब करीब रहे, यानी 37 डिग्री के करीब करीब। और सेकेंडली ये कि जो दवाई है उसमें ऑब्वियसली मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर के मुताबिक एंजाइना की दवाई को चेंज करते हैं। हाँ। और थर्डली डाइट की चेंजेस जो हैं वो भी इंसान के जिस्म पे असर डालती हैं, और जो जो हमारी डाइट मॉडिफाई होती है तो
तो उसको अकॉर्डिंगली बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। और गर्मियों में ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस किस्म के मरीज हैं वो खुदा न खास्ता डिहाइड्रेट ना हों, क्योंकि बहुत सी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जैसे डायूरेटिक्स हैं, वो उनकी डोज हम कम कर देते हैं गर्मियों में, चूँकि इंसान ऑलरेडी डायूरेटिक की इसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो पसीना आने से उसके जिस्म में पहले ही पानी की कमी है। तो आपके ख्याल में कि कार्डियोलॉजिस्ट या अपना जीपी या जो भी है उनको 6 मंथली चेकअप कराना चाहिए अगर कोई हार्ट पेशेंट हो या एंजाइना का पेशेंट हो या ब्लड प्रेशर का भी पेशेंट हो? बहुत ज़रूरी है जी, एटलीस्ट वंस एवरी 6 मंथ्स इज़ द मिनिमम, और अगर उसमें कोई चेंज हो उनकी कंडीशन में तो उससे पहले चेक कराएं। बाकी राइट साइड की पेन्स जो हैं राइट साइड ऑफ चेस्ट में, वो अमूमन हार्ट डिजीज से रिलेटेड तो नहीं होती, बट कोई रेयरली एटिपिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जो कि राइट साइड से रिलेटेड हैं, तो इसको डिसमिस नहीं कर सकते कि ये ऐसे ही मरीज कह रहा है या उसकी कोई हकीकत नहीं है, इसलिए एक दफ़ा उनका मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब पेन हो तो उन्हें चाहिए कि उस वक्त इमरजेंसी में जाके ज़रूर उस एपिसोड को चेकअप करवा लें। हाँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ये बताना है कि आपके ख्याल में कार्डियक फ्रेंडली डाइट क्या है जो हार्ट फ्रेंडली डाइट होती है, और वो आपने अभी बतानी शुरू करनी है, मगर फिर हम ब्रेक लेंगे और आप उसका जो क्रक्स है वो ब्रेक के बाद बताएंगे। जी, हार्ट फ्रेंडली डाइट्स जो हैं इनमें अगर हम रमज़ान के हवाले से या इवन अदरवाइज देखें तो बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनमें से आपने डाइट सिलेक्ट करनी है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरह आप भी बीइंग ए डाइटिशियन समझ सकती हैं कि प्रोटीन जैसे एक बड़ा ग्रुप है, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स, इसमें से आपने वाइट मीट सिलेक्ट करना है प्रेफरेबली, जिसमें कि फैट कम से कम हो और उसको लीन भी कट्स हो, जी लीन कट्स हो। अगर आपने मटन लेना है या चिकन या फिश जो है वो इस्तेमाल करें, स्पेशली जो कोल्ड वाटर फिश है वो उसमें कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जो कि हार्ट के लिए फ़ायदेमंद हैं, जिनमें से ये कैप्सूल्स भी जिनको ओमेगा मरीन्स कहते हैं वो भी निकलते हैं। तो फिश जो है वो कोल्ड वाटर फिश, सामन, ट्राउट वगैरह, ये बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। सही। और इसके अलावा दालें भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप प्रोटीन में, एग वाइट ले सकते हैं, ये सारी हेल्दी चीज़ें हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि गोश्त को जब हम फ्राई करेंगे तो जैसे मैंने पहले कहा तो उसकी अफादियत जो है वो नुकसान में बदल जाएगी। नाज़रीन, ये बात बिल्कुल गौर से सुनिए कि जब हम किसी चीज़ को ज़्यादा पकाते हैं तो हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को काफ़ी हद तक तबाह कर देते हैं। और अब आगे और क्या खाना चाहिए ताकि आपका हार्ट फिट रहे, इसके लिए आपको एक ब्रेक लेनी पड़ेगी और वापस आना पड़ेगा।